नमस्कार, मैं हूं सचिन तालठोक के, आप सभी का स्वागत है। देश में फिर से मोदी वर्सेस ऑल हो गया है क्या? क्योंकि विपक्ष आपकी जीत में अपनी जीत खोज रहा है, क्योंकि भले बंगाल हो, भले उत्तर प्रदेश हो, हर जगह विपक्ष को मोदी का विकल्प अब केजरीवाल में नजर आ रहा है। दिल्ली में आपकी जीत पर शिवसेना बीजेपी पर निशाना साध रही है। सामना में लिखा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हवाबाज नीति नाकाम हो गई है। दिल्ली मुंबई में आप शिवसेना का सीएम होना बीजेपी के लिए कलेजा चीरने वाला है, यह सामना में लिखा गया। वहीं कांग्रेस के कुछ नेता इस अंदाज में बधाई दे रहे हैं कि जैसे कि आम आदमी की नहीं कांग्रेस की जीत हुई हो। मोदी के खिलाफ विपक्ष एक बार फिर से महागठबंधन के क्या हसीन सपने देख रहा है। तमाम बड़े सवाल, तालठोक के बड़ी बहस। देश में अब बिरयानी मॉडल से क्या मोदी का मुकाबला करेंगे? दूसरा, मोदी के खिलाफ फिर से महागठबंधन वाला प्रयोग शुरू हो गया है। तीसरा, केजरीवाल विपक्ष के क्या नए पोस्टर बॉय हैं? चौथा, मोदी के खिलाफ विपक्ष के क्या ये हसीन सपने हैं? और पांचवा, बिहार बंगाल में भी क्या शाहीन बाग वाला प्रयोग होने वाला है? तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संबित पात्रा है स्टूडियो से, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। संबित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आलोक है, डॉक्टर राज आलोक, जेडीयू के नेता, राजनीतिक विश्लेषक। सोमनाथ सिंह राय हैं, टीएमसी समर्थक। सुभ्रांश राय हैं इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक। कमलेश राय हैं जो कि नेता हैं शिवसेना के। संजय सराफ हैं जो कि एलजेपी से हैं। सीपी सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमें ज्वाइन करेंगे। एमएच खान हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अजालोक में आपको जेडीयू का नेता कह गया क्योंकि पुरानी जो है आदत पड़ी होती है, राजनीतिक विश्लेषक कहना बेहतर रहेगा। संबित, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूं। दिल्ली का चुनाव शुरू होता है संबित, केजरीवाल खुद कहते हैं मैदान में उतर करके कि ये केजरीवाल वर्सेस ऑल है। आपने जेडीयू भी मिला ली, आपने एलजेपी भी मिला ली, सबको मिला लिया, केजरीवाल वर्सेस ऑल है। खत्म होते होते ये मोदी वर्सेस ऑल हो गया। देखिए सचिन जी, जहां तक मोदी वर्सेस ऑल का विषय है, आप बताइए 2013 जब से मोदी जी का नाम घोषित हुआ था प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में, तब से आज तक कब मोदी वर्सेज ऑल नहीं रहा है? प्रत्येक दिन, और मुझे लगता है कम से कम 100-200 डिबेट इस प्रकार के हमने किए होंगे, मोदी वर्सेज ऑल या नहीं। आरंभ से ही मोदी वर्सेस ऑल है। 2015 के चुनाव के पश्चात अरविंद केजरीवाल जी को जीत मिलने के पश्चात, आप याद करिए पहले चुनाव जब उन्होंने लड़ा था, उसके बाद वो बनारस गए थे। 2014 में बनारस में मोदी जी के खिलाफ लड़ा था, वो सारी तस्वीरें हमें याद है। उसके बाद क्या हश्र हुआ वो भी हमने देखा है। देखिए, हमने नहीं रोका है। अगर ये सारे लोग चाहते हैं कि मोदी वर्सेस ऑल हो, तो इसके लिए पहले उन्हें निर्णय लेना होगा कि क्या वो ऑल बनने के लिए तैयार है। याद करिए वो तस्वीर बेंगलुरु के अंदर, 17 पॉलिटिकल पार्टीज हाथ पकड़कर एक साथ खड़े थे 2019 के चुनाव से पहले। ठीक उसी प्रकार कलकत्ता में भी लगभग 23 पॉलिटिकल पार्टीज, उनके नेता एक साथ हाथ पकड़कर खड़े थे कि हम मोदी जी को हराने वाले हैं 2019 के चुनाव में। आप याद करिए बुआ और बबुआ का किस प्रकार से गठबंधन हुआ था, और उसका नतीजा क्या हुआ। जब चुनाव में शिकस्त मिली तो बुआ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि फायदा मुझे हुआ नहीं, मैं तुम्हारी बुआ नहीं, मुझे फायदा नहीं हुआ, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो, तुम चले जाओ। तो पहले अपने अहंकार का दमन करे, कौन इनमें से प्रधानमंत्री बनना चाहता है तय कर ले। हम तो मैदान में खड़े ही हैं, मोदी जी तो मैदान में खड़े हैं, वो तो चुनाव पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप बताइए आप में से कौन लड़ना चाहता है उनके खिलाफ। सुभ्रांश, क्या दिया इन चुनावों ने आपको? कांग्रेस को क्या मिला? नया पोस्टर बॉय केजरीवाल। तो अगर केजरीवाल ही पोस्टर बॉय बनाना था तो सर फिर विलय कर लीजिए। तो मुझे एक बात बता दीजिए, फिर वो जो शर्मिष्ठा रॉय कह रही हैं कि भैया बीजेपी को हराने के लिए अगर कंधा दूसरी पार्टी का ही लेना है, आपका ही लेना है, तो फिर कांग्रेस का विलय कर लीजिए। चिदम्बरम को अगर केजरीवाल में ही पोस्टर बॉय लगता है तो सर अनाउंस क्यों नहीं कर देते, राहुल ना ही केजरीवाल हमारा लीडर है। देखिए सचिन, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को और अपने बड़े भाई डॉक्टर पात्रा साहब को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश की जनता को आज 145 रुपए पर सिलेंडर कीमत बढ़ाकर ये जो तोहफा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव वो दिल्ली में हारे हैं, लेकिन पूरे देश को उन्होंने जो 145 रुपए सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी, इसके लिए बधाई। नौकरी का नया वो सृजन कर नहीं पाए, सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी, इसके लिए बधाई। व्यापारियों के लिए कुछ अच्छा उनके पास है नहीं, लेकिन महंगाई पर कंट्रोल उनसे होता नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक और मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि कल के रिजल्ट के बाद दिल्ली का हिंदू सुरक्षित हो गया है, और ये जो असुरक्षित हिंदू है वो दिल्ली से ट्रेन पकड़ के बिहार चला गया है। हो सकता है कल के बाद ये टैगलाइन ये शुरू कर दें। बिल्कुल आप सत्य करो, कौन किसका पोस्टर बॉय बनेगा ये तो भविष्य बताएगा। और अभी मोदी जी को 4 साल 2 महीने रहना है जय प्रधानमंत्री,
आज आपको 303 सीटों का विशाल मैंडेट मिला हुआ है। ये बताइए आप पांच चीजें कि आपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए क्या किया। अरे सर मैंने सवाल कांग्रेस से पूछा था। जो बेरोजगार होती मुझे लगा थोड़ा कांग्रेस के बारे में बोलेंगे आपको बीच में नहीं टोकूंगा। मुझे लगा सुब्रांश में आपको बीच में नहीं टोकूंगा। मेरा सवाल क्या था आपने सुना? आपके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि आप हर तरह की इकोनॉमी पर लेकर के सिलेंडर से लेकर के हर डिबेट की तैयारी करके आते हैं। जब बैठते हैं कि पर्चा इस विषय के ऊपर सब इकट्ठे लिख डालते हैं। मेरा सवाल सीधा ये था कि अगर सबको मिला इस यहां पे मोदी वर्सेस ऑल, यानी सबको लगा एक बार फिर से विपक्ष एकजुट हो सकता है, शरद पवार को लग रहा है कि भैया आगे जो है चुनाव में हार हो सकती है, ममता को लग रहा है, तो वही मैंने पूछा ना भैया कांग्रेस को क्या लग रहा है। कांग्रेस को अगर जीरो मिला उसमें भी अगर जीत मिल रही है तो कांग्रेस का क्रक्स क्या है? मेरा सवाल ये था। कोई बात नहीं, आपका सवाल तो बिल्कुल यही रहेगा, लेकिन इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी को यह बात जाननी चाहिए, चूंकि आपको देखते हैं तो हो सकता है आपके माध्यम से सुन लें। बट बिल्कुल आपने सही कहा, आधी अधूरी दिल्ली जिसके अधिकार में बहुत कम सारी चीजें सीमित होती हैं, इसके बावजूद प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सारे मुख्यमंत्री, 250 सांसद और इसके अलावा नमो टेलीविजन नेटवर्क लगाने के बावजूद भी जब इतनी बुरी तरह से आप हार जाएं, तो ये मंथन आपके लिए है कि देश के लोगों ने आपके देश तोड़ने वाले एजेंडा को नकार दिया। इस देश को हिंदू मुसलमान की एकता चाहिए, इस देश को रोजगार चाहिए, इस देश को बढ़ती अर्थव्यवस्था चाहिए, इस देश को टुकड़े टुकड़े गोली मारने वाला स्लोगन, बोली से जो नहीं सुधरेगा उसको हम गोली से सुधार देंगे, ये सब स्लोगन नहीं चलता। ये मोदी जी का फेलियर है और इस पे मोदी जी को जवाब देना चाहिए, वरना आए तो थे आप, मुझे आज भी याद है, दो दो बार उनका मंचन हुआ था द्वारका में और हर बार सिर्फ एक ही नारा था, कोई विकास और रोजगार को लेकर नहीं था, सिर्फ एक नारा था, जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो राष्ट्रद्रोही है। इसका मतलब ये है कि ये जो इनको 35-36 लाख वोट मिले, संबित जी क्या इसकी तैयारी आप इनको काउंटर करना चाह रहे थे कि अगला चुनाव क्या बिहार में जो अगला चुनाव है, मैं ये कहूंगा कि क्या केजरीवाल के नेतृत्व में लड़ेगा, क्या किसी तरीके का आपको डर नहीं है? क्योंकि यहां पर शरद पवार ने सीधे तौर पर कह दिया है कि दिल्ली तो अभी झांकी है, बिहार अभी बाकी है, फिर उसके बाद दीदी ने भी कह दिया बंगाल भी बाकी है। देखिए पहली बात है, आज तो मैं भी थोड़ा दुखी हूं। कल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली है, हाँ हमारे वोट शेयर जरूर बड़े होंगे मगर हम आशा कर रहे थे कि हम और अच्छा करेंगे। मैं भी दुखी हूं, आज मैं चिल्ला के बात करना नहीं चाहता मगर मैं तो कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। जो एनर्जी लेवल कांग्रेस के प्रवक्ताओं में, कांग्रेस के आला कमान और उनके बड़े नेताओं में झलक रहा है, ये इस प्रकार से आज एकदम नाच गाना कर रहे, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जिस प्रकार से इन्हीं की बारात निकल गई, नहीं आप बताइए इनकी जीत हुई है क्या? 4% इनको वोट शेयर मिला है, उसके बाद ये चिल्ला चिल्ला कर मोदी जी के ऊपर आक्रमण, मोदी जी को खराब कहना, आप मुझे इतना बता दीजिए आज पीसी चाको, आज इनके बाकी जो आला नेता हैं कपिल सिब्बल इत्यादि सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आज शर्मिष्ठा मुखर्जी ट्वीट करके पी चिदम्बरम को आड़े हाथ ले रही है कि क्या आउटसोर्स कर दिया है? ग्राफ बता रहे, देखिए हमने तो बकायदा ग्राफिकली देखिए किस तरीके से ग्राफिकली देखिए कांग्रेस का 93 से लेकर के 2020 तक कांग्रेस एक किस्म से विले हो रही है, बकायदा इसमें जा रही है, जितना वोट शेयर था वो बकायदा उसमें कुर्बान हो जा रहा है, वो तो साफ दिख रहा है इससे कांग्रेस से। देखिए अपनी बात पूरी, देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं इसमें कोई दो मत नहीं है, हम अच्छा कर सकते थे मगर आज विधानसभा में आम आदमी पार्टी है, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस पार्टी को शोक सभा में होना चाहिए था। आज शोक सभा में होने के बावजूद आज यहां पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी मोदी बीजेपी के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। मैं अपने भाई कांग्रेस के प्रवक्ता से कहूंगा कि पहले अपने घर के अंदर की जो बिसाते हैं उसको ठीक कर लीजिए, बाद में हमसे लड़ लीजिएगा, मोदी जी को गाली बाद में दे दीजिएगा। पहले 4% वोट क्यों आया है, हमें 40% आया है, आपको 4% क्यों आया है इसकी चिंता करिए प्लीज। थोड़े दिन शोक सभा में रहिए, विधानसभा लोकसभा तो नहीं, कम से कम शोक सभा में तो रहिए। लेकिन वापस बोलिएगा सुब्रांश, अभी आपने डॉक्टर अजय आलोक का मैंने नाम लिया, डॉक्टर अजय आलोक क्या लेकिन ये चिंता की बात नहीं है कि ना कहीं बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए या उनके साथी पार्टनर्स के लिए कि एक इतनी बड़ी पार्टी जो सत्ता पर काबिज शीला दीक्षित के साथ देखिए 15 साल तक रहती है, वो 4% पर इसलिए आ जाती, साफ नजर आ रहा है इंटेंशनली अपने आप को विलय कहीं ना कहीं कर देती है आम आदमी पार्टी में ताकि वो मोदी को हरा सके, बीजेपी को हरा सके, फिर तो ये मॉडल जो है आगे बिहार में और बंगाल में लागू होने में दिक्कत क्या? फिर तो कहीं ना कहीं खतरा बीजेपी के है ना, अगर इस तरीके से, उससे पहले महागठबंधन नहीं हुआ, अगर इस तरीके से विपक्ष एकजुट होता है तो। मैं तो सबसे पहले आपको कहूंगा कि मैं जनता दल यू में ही हूं अभी, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है कि राजनीतिक विश्लेषक या जनता दल यू लीडर। अब दूसरी बात मैं आपके माध्यम से इन लोगों को बताना चाहूंगा, नाम आपका ठीक चल रहा है, मैंने आपको सिर्फ प्रवक्ता को सटा था क्योंकि बीच में प्रवक्ता के कारण कंफ्यूजन नहीं, प्रवक्ता का पद मैं नहीं हूं। नहीं आज बोलिए डॉक्टर अजय लाल बोलिए। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, जितनी मर्जी चाहे उतने गठबंधन बना लें
और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को वीकली और म्यूटली सरेंडर किया है दिल्ली में, अपने सारे के सारे वोट ट्रांसफर करवाए ये सोच के कि हम हार जाएं तो हार जाएं लेकिन एनडीए हारनी चाहिए, बीजेपी हारनी चाहिए, तो ये नेगेटिव पॉलिटिक्स की जो एक्सट्रीम कांग्रेस पार्टी ने की है ये भी करके देख लें यहां पे बिहार में, केजरीवाल जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ लें, लेकिन पता नहीं है उसके लिए आरजेडी तैयार होगी कि नहीं, पहले वो तय करें। जितने गठबंधन बनाना है बनाइए, आइए बिहार, स्वागत है आप लोग सब कोई का, अक्टूबर में हम लोग चुनाव लड़ लेते हैं यहां पे, और उसके बाद इस तरह की डिबेट बंद होगी कि मोदी वर्सेज ऑल। अभी ठीक कहा सुब्रांश जी ने कि 4 साल 3 महीने बाकी हैं, अभी कहां छटपटा रहे हो मोदी वर्सेज ऑल। और ये जितने दुखी आत्मा पैनल पर बैठे हुए हैं ना, इन सबको दुखी आत्मा कल थोड़ी थोड़ी तृप्त हो गए होंगे दिल्ली की हार के बाद, और अपनी ये दूसरे की जीत को अपनी जीत समझ रहे हैं। लड्डू गया आपके मुंह में, मिठास इन सबके मुंह में आई है। मुझे तो ये देख के आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय राजनीति में ये स्वरूप भी आता है कि नफरत की इंतहा कितनी ज्यादा है कि अपने मुंह में मीठा नहीं गया लेकिन रस मिल रहा है। शाबाश, बड़ी अच्छी राजनीति आप लोग कर रहे हैं, अपनी जमीन ऐसी बनाते रहिए, हमारे लिए कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, दिल्ली का इलेक्शन एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन था, जहां 8 महीने पहले दिल्ली की प्रबुद्ध जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना था, 7 की 7 लोकसभा सीट दी थी, 56% वोट दिए थे, मत भूलिएगा। और 8 महीने के बाद उनको अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुनना था, तो ये मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव था, जनता ने अपना चुनाव किया तो उसको सादर प्रणाम। लेकिन उसको लेकर राजनीतिक पंडित तरह तरह से कयास लगा रहे हैं और देश की हर राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों को परिवर्तन करने का अगर ख्याल लगा रहे हैं तो माशाल्लाह आप एकदम अपने राह पे आगे बढ़े रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। क्या कहेंगे सोमनाथ सिंह रॉय, एक फ्रेंचाइजी तो दीदी ने अभी बुक कर ली होगी, क्योंकि शाइन मॉडल से अगर दिल्ली में चुनाव जीता जा सकता है फिर तो वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि देखिए सीएम हटाना पड़ेगा, मोदी सरकार को सबक लेना पड़ेगा, कांग्रेस जो है और तृणमूल कांग्रेस सब इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि यहां पर मोदी सरकार की हार हो गई है। नहीं सचिन भाई, तृणमूल सबको इकट्ठा होने का तो जरूरत है ही ना। आप देखिए ना, जब महेश आशूर सड़क दखल करने का कोशिश कर रहा था, सब देवता मिलकर एक कट्टा होकर मां दुर्गा बनाया था, तो अभी भारत को बचाने के लिए सब पार्टी को इकट्ठा होना पड़ेगा। क्यों? मोदी का हाथ से ये देश बचाने है और कुछ नहीं। 2024 से पहले इसको नहीं हटा सकता हूं हम लोग, लेकिन आप देखिए 2019 का इलेक्शन का बाद 6 स्टेट में ये लोग को भगा दिया हुआ का जनता ने। अभी सिर्फ 2 बड़ा स्टेट इनका हाथों में है, एक यूपी है, एक कर्नाटक है। अभी आहिस्ता आहिस्ता साफ होना चालू हुआ, ये साफ हो जाएगा, आप मत सोचिए ये साफ हो जाएगा। हमारा सामने सबसे बड़ा खतरा है, आप आलोक जी के अभी कांग्रेस प्रवक्ता को अपने मना किया, लेकिन ये बात तो सही है ना, जब डिबेट में बैठूंगा तो तब तो ये बोलना पड़ेगा कि अभी गैस का भाव 150 रुपया ज्यादा हो गया, अभी तो हमको बोलना पड़ेगा क्यों LIC को बेच रहा है तुम, हमको तो बोलूंगा हम लोग तो बोलूंगा क्यों आप रेल को बेच रहे हैं, क्यों एयरलाइंस को बेच रहे हैं, ये तो हम लोग पूछूंगा ही ना। ये पूछ रहा हूं इसीलिए सब आदमी इकट्ठा हो रहा है, क्यों? देश का सामने खतरा है और ये खतरा का नाम है बीजेपी। संबित पात्रा जी यहां पर बैठा है, बहुत सारे डिबेट उनको उनका साथ किया, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन आज उसका थोड़ा लग रहा है थोड़ा ऑफ मूड में है, नहीं तो इतना अलाउ नहीं करते किसी को बोलने का। मेरा सवाल ये था, दोबारा फ्रेस कर देता हूं, ठीक है संबित आप जवाब दीजिएगा। ये बात भी सही, मेरा नहीं, मेरा ये था ना कि मैं कह रहा हूं चलो ठीक है अरविंद केजरीवाल जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला था, भारतीय जनता पार्टी हार गई और औंधे मुंह हार गई, मैं ये सीधे तौर पर कह रहा हूं, पर ये मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हार से आपको अपनी जीत कैसे नजर आती है, या फिर दीदी का क्या स्टेक है दिल्ली में, क्या शरद पवार का क्या स्टेक है आम आदमी पार्टी की विक्ट्री में, क्या तेजस्वी यादव का स्टेक है यहां पर अरविंद केजरीवाल की विक्ट्री में। मैं ये कहता हूं ना कि 2019 में कोलकाता ने दीदी ने सबको इकट्ठा किया था। सचिन 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 सचिन, ये हमारा जीत नहीं है, ये देशभक्ति जो देशभक्त भारतीय है उसका जीत है, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल का जीत नहीं है। जो लोग हम लोग को पाकिस्तानी बनाया था, जो लोग जमात का हम लोग को दलाल बनाया था, उसका एगेंस्ट एक थप्पड़ है और कुछ नहीं। हम भारतीय है, यहाँ पर सिर्फ 18% मुस्लिम था, 53% वोट मिले है, सिर्फ मुस्लिम आपको नहीं जिताया यहाँ पर। ये लोग हर टाइम बोल रहा था ये मुस्लिम का पार्टी है, दीदी को बोला है, अरविंद को बोला है, जो शाहीनबाग का वोट आके उनको जिताएंगे, ये सोचना चाहिए। हिंदू भी उनका साथ नहीं है,
क्योंकि ये देश में तालिबानी हिंदू कम है, सेकुलर हिंदू ज्यादा है। सेकुलर हिंदू और मुस्लिम इकट्ठा होकर कम से कम तालिबानी हिंदू को खत्म करने के लिए कैसे मुकाबला करते हैं। यहाँ पर भी सेकुलर हिंदू लगेगा, ये तालिबानी हिंदू का नजर आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कितनी मजबूती से इस बार खड़ा होगा, लेकिन नजर तो आ रहे ना सर, एक बार सबके साथ इकट्ठे। आपकी अनुमति हो और मेरे भाई सिंघा रॉय जी की अनुमति हो तो एक सवाल भी सिंघा रॉय जी से पूछ लूं। सिंघा रॉय जी, चूंकि आपने कहा कि देवी दुर्गा का आविर्भाव सबके इकट्ठे होने से हुआ और महिषासुर को मारने फिर दुर्गा जी गईं, आप बताइए ये जो कांग्रेस पार्टी के लिए और सीपीआईएम के लिए अभी 10-15 दिन पहले ममता बनर्जी ने सीएए के लिए कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम ये दुष्टो पार्टी, दुई तो दुष्टो पार्टी मतलब ये दोनों दुष्ट पार्टी हैं, ये नेस्टी पॉलिटिक्स करते हैं और सीएए को लेकर बंगाल के अंदर जो वायलेंस हो रहा है ये दुई तो दुष्टो पार्टी को रिच, ये जो दो दुष्टो पार्टी हैं ये कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम इन्होंने किया है। आप याद करिए जनवरी 14 तारीख को एक यहां पर ऑल अपोजिशन पार्टी की मीटिंग थी दिल्ली में जो कांग्रेस ने बुलाया था और ममता बनर्जी ने कलकत्ता में बैठ के कहा दुष्टो मानों को मीटिंग रहे, जो दुष्ट लोगों की मीटिंग है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, ये लोग वायलेंस करते हैं। पर आज सिंघा रॉय जी क्योंकि टीएमसी समर्थक है, उनके प्रवक्ता हैं, ये बताए कि कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी दुष्ट पार्टी कह रही है, आप दुष्ट कहते हैं कि आप उसको महिषासुर कहते हैं या कांग्रेस को दुर्गा कहते हैं, आप आज बताइए, आप बताइए जरा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। सचिन नहीं, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं संबित पात्रा जी, मोहल्ला में अगर किसी का घर पे आग लग गया ना तो वो बुझाने के लिए ये मत सोचिए जी वो आपका फ्रेंड है, ममता जी बोलछिलाम कि ना है, एटा तो बोलो दादा, इकट्ठा होकर वो आग बुझाना चाहिए, दादा नहीं तो पूरा मोहल्ला जल जाएगा, आप तो देश में आग लग गया, अभी ये सब मत कीजिए, अभी देश को आग बुझाने के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुआ। दादा एक तो सुनो, दादा एक तो सुनो, हाँ बोलिए बोलिए प्लीज, आप मोहल्ला पे आग नहीं देश में आग लगाया आप लोगों ने, ये देश को संबित पत्र जी, दादा 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 इटा उचित नहीं, दादा इटा उचित नहीं, दादा दादा जी छोड़ दो, दादा ममता बनर्जी तो आपसे बड़ी नेता है, दादा आप उनके समर्थक हैं, आपके भालू जाने ना जमीत पत्र जी, एक तो सुनिए ना, ये तो आपने आमत के भालू जाने कारण इससे के अनेक बेसी आपकी सबाई के बाधा दिए इससे ना, तो सुनिए ना दादा, सुनिए ना दादा कृपा करके सुनिए ना प्लीज, दादा आपसे तो बड़ी ममता बनर्जी हैं, बड़ी नेत्री हैं, आप उनको बड़ी नेत्री मानते हैं, भालू मनुष्य सच बनना, बिकॉज भालू मनुष्य अपना रन ऑन, ठीक है प्लीज, अच्छा आदमी बनने का कोशिश मत कीजिए, ठीक है, मैं आऊंगा आपके स्कूल में आके अच्छा आदमी बन जाऊंगा, अभी तो सुन लीजिए मेरे को, ठीक है, ममता बनर्जी आपसे ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम को दुष्ट पार्टी कहा कि नहीं कहा, आप बताइए, आप माने ना मैंने, आम आदमी तो वही मानता है, नहीं आप बताइए कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम दुष्ट पार्टी है कि नहीं जो ममता बनर्जी ने कहा, सीपीएम का साथ ही लड़ा हुआ है ना, आप लोग कहाँ था, नहीं जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ प्लीज इनसे बोलिए इसका जवाब दीजिएगा, आज से 15 दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा कि सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी नेस्टी पॉलिटिक्स करती है, वो दुष्टों की पार्टी है और सीएए के वायलेंस के लिए कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम दाई है, आज पहली बार उनके समर्थक कह रहे हैं कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही है, नहीं आप बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही है, पात्रा जी बड़ी बात है, इसी का रिजल्ट तो 2019 में आपको मिला ना, तभी तो 303 पे आया ना, आप बोल रहे हैं, आपको अगर लगता है कि ममता बनर्जी ने गलत कहा, आपको अगर लगता है कि ममता बनर्जी गलत कह रही है तो ठीक है, सचिन विवाद भी परेशान हो गया, नहीं आपने अभी कहा कि ममता बनर्जी गलत कह रही है, खान साहब से लेता हूं, खान साहब कोशिश तो यूपी में भी बहुत हुई थी ना, अखिलेश भी आए थे, मायावती भी आई थी और ऐसा अनकन्वेंशनल की हमेशा कोई साथ, क्योंकि सपोर्ट तो वहां पर शरद पवार ने भी किया था, क्या आपको लग रहा है कि कुछ वैसा ही पिछली गलतियों से सबक लेता हुआ गठबंधन यहां पर फॉर्म होगा या हो रहा है, भले राज्यों के चुनाव हो, इस बार वो गलती जैसे वो किसी पार्टी को दुष्ट कह देना, एक मंच में नहीं आना, दीदी ने बुलाया है, कांग्रेस ने बुलाया, मैं नहीं आऊंगा, तुम नहीं आओगे, उन सबसे आगे बढ़ेगी एमएच खान साहब, या आपको लग रहा है एक बार फिर से सिर्फ ये हसीन सपने। सचिन जी मैं बहुत साफ बात कहना चाहता हूं कि ना हिंदू चलेगा ना मुसलमान चलेगा, अब तो सिर्फ काम चलेगा। देखिए मैं अजय जी के बात से सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस वाले अपना वोट शिफ्ट कर देंगे, कांग्रेस के पास वोट है कहां जो शिफ्ट कर देंगे, कांग्रेस तो डूबती हुई नाव है, वो सिर्फ उनकी औकात नहीं है कि शिफ्ट कर दें, उनकी नेता एक है बाड्रा जी हैं, वो अपने आप को बाड्रा साबित करने में लगी हुई है कि मैं बाड्रा हूं, मैं गांधी परिवार की बेटी थी, अब मैं वाड्रा हो गई हूं, अब मुझे वाड्रा कहा जाए, राहुल गांधी इसमें लगे हुए हैं जनेऊ लगा लगा कर
कि मैं पंडित हूं, मैं इस महागठबंधन की रेस में जो भी है पार्टी में कांग्रेस नील है ना, मतलब कांग्रेस कहीं नहीं है। खान साहब अगर ये दोबारा कहीं बोगी बन रही है कांग्रेस कहीं नहीं है, मतलब अजय जी कहां वोटशिप करा रहे हैं, और किसी का कहीं कुछ नहीं चलेगा, चाहे लोग इकट्ठा हो जाए, पूरी जमात इकट्ठा हो जाए, अगर काम नहीं करेंगे तो जनता अब जवाब सही देना जान गई है, जनता जवाब देगी। अब ऐसे नहीं चलेगा कि आप हिंदू मुसलमान कर दीजिए, आप पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश कर दीजिए, आप बिहारी और यूपी वाला कर दीजिए, ये अब नहीं चलेगा। अभी जनता समझदार हो गई है, अब काम पे वोट देगी। अब देखिए कितना दुखद की बात घटना है, यह आज ही रिजल्ट आया, कल आया और 150 रुपया सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। आजा लो कुछ कैंसिल, आजा लो कर रहे हैं आप, 150 रुपया कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा पैसा होता है। ये आपने एकदम से जनता पर भार डाल दिया और फिर आप चाहते हैं सचिन, आप देखिए आप सिर्फ मोदी जी के नाम पे जीतना चाहते हैं, तो जितने स्टेट्स हैं उसमें आपको काम करना खान साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दीजिए आप क्यों नहीं दे रहे सब्सिडी। चल ठीक है खान साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है एक सेकंड खान साहब, एक सेकंड आज आ लोग, ठीक है आज लोग, फिर उसका संशरफ आता हूँ आपके पास। सचिन खान साहब ने मेरी बात पे मोहर लगा दी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिल्ली में आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं क्या भाई कि बहुजन समाज पार्टी अरे बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ नहीं आ सकते, टीएमसी टीएमसी सीपीआईएम ने नहीं आ सकते साथ में, तो कहां गया इनका महागठबंधन? अब मोदी वर्सेज एक, मोदी वर्सेज ऑल कहां होता है? ये आपस में एक दूसरे से कौओं की तरह लड़ते रहेंगे, समस्या यही है। इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका एजेंडा है सिर्फ सत्ता में आने का, चाहे किसी भी तरह। अरे बुआ बबुआ का समझौता तो हो ही नहीं पाया, तो बुआ और कांग्रेस का समझौता कहां से होगा? खान साहब सही कहा आपने, डालिए पहले आपने निगाह, आपने डालिए ना, खान साहब मैं तो आपको सही कह रहा हूं, पाएगी आपका कैंडिडेट, सही कह रहा हूं आपने ठीक कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ नहीं हो सकता है, कांग्रेस के पास बचा क्या? आपके मुख्यमंत्री के साथ आपके गृह मंत्री बैठे हुए थे और बुरी तरह से हट गए, जमान जब्त हो गई उसकी। खान साहब आप क्या बात करेंगे? सर मैं कह रहा हूँ कि हार गया खान साहब, मेरा सवाल यह ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको लेता हूँ, लेकिन एक सेकंड एम एच खान मैं तो कह रहा हूँ हार हुई है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए कहाँ क्या गया था और कितना बताया गया था, वो सब कुछ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एम एच खान साहब कि अगर यहाँ से मौका आता है तो क्या सच में विपक्ष एकजुट हो सकता है? क्या हो रहा है? अगर होगा तो उसका नेता कौन है? केजरीवाल होंगे, मायावती होगी, अखिलेश होंगे जो कि अखिलेश कह रहे थे कि मुबारकबाद देता हूं, तेजस्वी यादव होंगे क्योंकि बिहार में चुनाव है, या फिर यहां पे ममता बनर्जी होंगी, कोई तो सबक लिया होगा ना सर पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही मौका आया था, 303 बीजेपी फिर आ गई। सचिन जी मैं फिर एक बात आपसे सुन लीजिए, ग्राउंड के चुनाव में जनता, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और एलजीपी मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन जनता ने काम तोड़ दिया है, और पूरे देश में अगर पूरा देश विपक्ष इकट्ठा हो जाए और काम नहीं करेगा तो जनता ठुकरा देगी, जनता सुनेंगे नहीं किसी की, ठीक है? आप जनता काम पे वोट देगी, ठीक है? संविधान फिर उसको संदेश रहा, ठीक है? संविधान फिर संदेश रहा, जो लीडर बनना चाहे बन जाए, ठीक है सर? ठीक है ठीक है, काम किया ना, वही तो कह रहा हूँ ना सर, अगर काम किया है केजरीवाल ने फिर तो अपना लेते सर, बोल दीजिए ना फिर केजरीवाल हमारा लीडर है, केजरीवाल के साथ, क्योंकि केजरीवाल ने काम किया, केजरीवाल की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, एक आदमी नहीं ले रहे ना सर, वैसे कल केजरीवाल के कंधे पर रख के संबित हर आदमी कह रहा था कि देखिए एक पोस्टर बॉय मिल गया, जो कि पहले इनको शरद पवार में भी मिला था, देखिए शिवसेना उद्धव ठाकरे में भी मिला था, लेकिन नाम कोई भी लेने को तैयार नहीं है, ठीक है? समित बात, एक सेकंड खान साहब सुन लीजिए, खान साहब एक सेकंड, खान साहब एक सेकंड, बंद कर लेने से हकीकत नहीं छुपती है, आंख बंद कर लीजिएगा, तो जनता को भी क्लैरिटी दीजिए ना, नेता कोई नहीं मान लेगा। खान साहब अगर लगता है आपको नाकामी हारी है, हिंदू मुस्लिम आ रहा है, पोलराइजेशन आ रहा है, तो कम से कम नाम लीजिए ना, तो नाम लीजिए, किसी मंच का नाम लीजिए, किसी चेहरे का नाम लीजिए। सर घबराते क्यों? अपनी पार्टी से आगे कोई बढ़ नहीं रहा है, ठीक है? संबित पात्रा एक सेकंड, खान साहब एक सेकंड, अच्छा ठीक है खान साहब, एक आंदोलन के बाद कोई मंच आ गया था, नहीं आया गया था, मंच आएगा, मंच बिल्कुल आएगा, मंच तो पहले भी आया था, सर मेरे पास भी 5 तारीख है और ये 5 तस्वीरें, मंच कब कब आया, ठीक है खान साहब एक सेकंड, संबित जवाब देना चाहते हैं, संजय शर्मा माफी चाहता हूं काफी देर से आपके पास आ नहीं पाया, उसके बाद संजय आप बोलिए। संबित देखिए पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि काम करना पड़ेगा, पहले हमको इकट्ठा होना पड़ेगा फिर काम करना पड़ेगा, पहले इकट्ठा तो हुई है, देखिए आज तक ये इकट्ठे होने वाले एक्सपेरिमेंट लगभग लगभग हर जगह हो चुके हैं, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी और जेडीएस, पहले काम करना पड़ेगा, ठीक है काम करिए ना। देखिए जेडीएस और कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में एक हुई थी, उसके बाद हमने देखा रोज कैस किस प्रकार से कुमार स्वामी का, मैं एक सेकंड लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं कि जैसे कल जीत आई थी उसके बाद उनको लगा कि देखिए सीए के खिलाफ ये पूरा वर्डिक्ट है, आज कहा भी कि सीए बीजेपी वापस ले लेगी, मुझे मालूम है बीजेपी की जीत हुई, और आज उसी तर्ज पर ममता घंटा बजा करके रैली निकाल रही है कहते हुए कि दिल्ली में अब बीजेपी हारी है, अब आगे देखिए बंगाल बारी है, बोलिए। देखिए ये सारे लोग, उनका सबका अपना अपना एजेंडा है,
तो इसलिए ये कहीं ना कहीं आज केजरीवाल जी के कंधे पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल जी का बंगाल में क्या है? क्या मैं ममता जी से पूछता हूँ, क्या केजरीवाल जी को कुछ सीट देंगी ममता बनर्जी? क्या किसी प्रकार का गठबंधन आम आदमी पार्टी से बंगाल में करेंगी? हमने जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन का हश्र कर्नाटक में देखा था। साइकिल और हाथ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन दोनों का गठबंधन हमने यूपी में देखा था, वो फेल हो गया। हमने बुआ और बबुआ के गठबंधन को यूपी में देखा, वो फेल हो चुका है। सारे गठबंधन और सारे रिसर्चर्स हो चुके हैं। अब बंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो गठबंधन चल रहा है वो भी एक तरह से फेलियर की ओर ही बढ़ रहा है। ये सारे गठबंधन तो हो चुके हैं, तो आप बताइए, आप बताइए, पहले एक तो होइए फिर काम करिएगा ना। आपको किसने गठबंधन दा दिल्ली में? नहीं, आप हमको क्यों डांट रहे हैं भैया? आप इकट्ठे नहीं हो पा रहे, आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे खान साहब? बुआ और बबुआ तो एक हुए थे, क्यों अलग हो गए? आप रहते साथ में, हमने मना किया था। नहीं, आप खान साहब, आप हम पे चिल्ला के क्या लाभ होगा? आप बताइए, आपके गठबंधन को हमने तोड़ा क्या? गठबंधन दिल्ली में था कि नहीं? तो हमारा गठबंधन तो आज भी है। गठबंधन दिल्ली में, हमारा गठबंधन आज भी है, हमारा गठबंधन कल भी रहेगा। आप बताइए आपका गठबंधन कहाँ है? दिखाइए ना आपका गठबंधन कहाँ है। लेकिन संजय सर, आप जब एक केंद्र की इतनी बड़ी पार्टी जो दूसरी बार मोदी सरकार की अगुवाई में 303 के साथ आती है और आप उसके अकेलाई हैं बिहार में, उसके बाद जाएंगे साथ चुनावों के लिए, कहीं आपको नहीं लगता कि गणित थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा? या फिर जिस तरीके से इससे पहले 5 राज्यों की हार और उसके बाद अब दिल्ली भी गंवाना, आगे थोड़ी रहा बंगाल में और बिहार में, सबसे पहले बिहार में मुश्किल होने वाली सराफ साहब? नहीं सचिन, यहां पर मेरे को तो नहीं लग रहा है कोई मुश्किल होने वाली है, क्योंकि वहां जो हमारा गठबंधन है जेडीयू एलजेपी और बीजेपी का, वहां कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं थोड़ा सा कल इस संकेत में बोल रहा हूं आपको, खान साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं काम काम काम, बहुत अच्छी बात है। केजरीवाल ने आज जीता है, जो जीता वही सिकंदर। प्रैक्टिकल शेप में आपने काम देखना है तो सिसोदिया को एजुकेशन मिनिस्टर के नाम पर अगर बोला जाए, 2000 मात्र वोट से रोते पीटते वो जीत गया। केजरीवाल साहब कहते हैं काम 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 के, 21000 मात्र वोट से जीत गया, उसके एरिया में टोटल 49% वोट पड़ गए। मैं कहता हूं इनकी तकदीर अच्छी थी, फ्री फंड का इन्होंने पानी दे दिया, बिजली दे दिया, अच्छी बात है। आप गरीब को मदद करिए ना, लेकिन गरीब को अपनी पार्टी के फंड से मदद करिए, आप अपनी तनख्वाह से मदद करिए, आप टैक्सपेयर के पैसे से क्या मदद कर रहे हैं? फ्री फंड की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपके मुझे एक बात बताइए सर, जीता तो केजरीवाल है सर, जीते केजरीवाल है। अगर वो बात कर रहे हैं केजरीवाल के ऊपर की कौन कौन से मसले थे सर, बचाने किस लिए आ जाते हैं, यहाँ पर बचाने आ रहे हैं तो फिर ऑन क्यों नहीं करते? बड़ी बात है, इस चीज का जवाब क्यों नहीं है फिर आपके पास? एक सेकंड संजय सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद काम होगा। ये कहीं किसी स्टेज पर खड़ा होने वाले नहीं है, ये चार आदमी कहीं पर स्टेज पर साथ में खड़े नहीं होते हैं। बोलिए संजय राव, अपनी बात पूरी की। सचिन आता हूं, सोमनाथ सिंह राव। हाँ सचिन, प्लीज रिपीट कीजिए प्लीज। देखिए सचिन जी, मैंने अभी तक किसके बीच में नहीं बोला, तो मैं चाहूंगा कोई बीच में नहीं बोले। अच्छी बात है, अच्छा लगता है जब हम कहते हैं कि बहुत डेवलपमेंट हो। मेरे को बताइए कितने कॉलेज बने दिल्ली में, कौन सा फ्लाईओवर बना? हकीकत में लेट मी बी ऑनेस्ट, है माइनस कांग्रेस करके अगर देखे, काम तो शीला जी के टाइम हुआ है, उसके बाद में कौन सा फ्लाईओवर बना, कौन सा कॉलेज बना, कौन सी यूनिवर्सिटी बनी, एक स्टेडियम दिखाया कोई बना है, कोई रोड डेवलप हुआ है? ये मोला क्लिनिक के नाम पर जब देश में माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हम लोगों ने 5 लाख की एक इंश्योरेंस स्कीम, मेडिकल स्कीम, जिसको हम लोगों ने आम गरीब जनता के लिए रखा, उन्होंने मोला क्लिनिक, अच्छी बात है, मोला क्लिनिक आपने स्टार्ट किया, हम इसका गलत नहीं कह रहे। अगर आप फ्री फंड की बात करते हैं, देश कैपिटल है, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हम दिल्ली में किसी को नपुंसक नहीं बनाना चाहते हैं। आप गरीब आदमी को सब्सिडी दे दीजिए, गरीब आदमी को मदद करिए, हम आपके साथ में खड़े रहेंगे, लेकिन आप गरीब आदमी को ये बताएंगे आप फ्री में करिए, आपको बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, लेकिन वो बिजली और पानी का पैसा भरेगा कौन? 800 करोड़ रुपए ऑलरेडी आपका पीएचई का है, पानी का है, वो पुरानी लाइब्रेरी है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मीडिया के माध्यम से हमको क्लियर कर दीजिए। इन सब भी नहीं है ना संजय सर, आप इनसे बात तो करिए। एक सेकंड में आपके पास आया, क्या सच में सर ये एक तरीके की एक नई राजनीति की शुरुआत है जो आप केजरीवाल कह रहे हैं कि विपक्ष भी जिंदा है या बाकी सबको लगा? क्योंकि एक साथ, ये तो सच्चाई है सीपी सिंह साहब, कि एक साथ आने की कोशिश तो सबने की लेकिन कोई नहीं आ पाए।
सब औंधे मुंह गिरे, लेकिन क्या यहां से एक शाहीन बाग या मुसलमानों का कंसोलिडेशन होना या जिस तरीके से बिरयानी और ये तो कहते हैं कि अपीजमेंट का दूसरी तरफ मुड़ जाना, क्या एक ये इस तरीके की नई राजनीतियों का एक नया मौका देता है विपक्ष को? हम कई और शाहीन बाग देखेंगे, बंगाल में देखेंगे, बिहार में देखेंगे। देखिए विपक्ष इकट्ठा नहीं हुआ है, देश हित और सुरक्षा के खिलाफ ही जनता में ध्रुवीकरण हुआ है और उसका लाभ विपक्ष को मिला है, न कि विपक्ष इकट्ठा हुआ है। और दिल्ली का जो 2020 का चुनाव है, यह चुनाव किसी भी अन्य राज्य के चुनाव से अलग है। इसे अलग हटा के इसलिए देखना चाहिए कि यह लगभग 1946 और 47 की स्थिति की याद दिलाता है, जब डायरेक्ट एक्शन यानी जिहाद का कॉल जिन्ना ने दिया था और नेहरू और गांधी ने जनता बहुमत जनता को देश को इस पे धोखा दिया था, जिसके बाद बड़े दंगे हुए, देश का विभाजन हुआ। आज लगभग उसी स्थिति में हम पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी की हार से मुझे कोई दुख नहीं है, कोई आए कोई जाए। भारतीय जनता पार्टी की इस विफलता से दुख है कि जनता तक शायद यह पार्टी यह ले जाने में असफल रही कि देश की सुरक्षा एजेंडा है, इस्लामी कट्टरवाद एजेंडा है, न कि दिल्ली में चुनाव का हार और जीत एजेंडा है। यह बहुत ही गंभीर बात है। दिल्ली के चुनाव को अगर भारत के नेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने गंभीरता से नहीं लिया, तो आपने बहुत सही बात आशंका जताई कि दिल्ली में हजारों शाहीन बाग महीना भर के अंदर पैदा हो सकते हैं। सरकार को बहुत गंभीरता से इस पे सोचना होगा। कहीं ना कहीं जनता को यह भी मैसेज गया कि दिल्ली की पुलिस तो केंद्र सरकार के पास है। जब दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के पास है तो 50 दिन से ज्यादा कुछ लोग महिलाओं को आगे करके जैसे पहले की लड़ाई याद करिए तो हमारे जितने असुर और दैत्य हैं, कभी तारका आती है, कभी सूर्पणखा आती है, कभी होलिका आती है, वो लड़ते हैं देवताओं से, वैसे ही यहां पे महिलाओं को आगे करके देश की सुरक्षा के खिलाफ लोग लड़े हैं, जीते हैं, हाथ में तिरंगा और डंडा जिहादी। तो कह रहा हूं ना सर कि हमें यहां पे तभी तो कह रहा हूं ना कि क्या संबित के लिए मैं तभी तो कह रहा हूं ना कि क्या यहां पर बीजेपी के लिए चिंता की बात इसलिए नहीं है कि ना केवल विपक्ष एकजुट होता है, बल्कि सर ये कहीं ना कहीं इस जीत के साथ, केजरीवाल की जीत के साथ विपक्ष को एक मॉडल मिल जाता है कि हां इस मॉडल से जीता जा सकता है। अगर दिल्ली में एक शाहीन बाग क्रिएट किया जा सकता है, ब्लॉकेज की जा सकती है, वहां पर चीजें चल सकती हैं, तो ये बिहार में भी कल को किया जा सकता है, फिर तो ममता वहां बंगाल में भी कर सकती है, कंसोलिडेशन वहां पर भी मुसलमानों का हो जाएगा। नहीं, इसमें दो बातें समझनी है। पहली बात तो ये समझनी है कि जहां तक दिल्ली का जो मॉडल की बात कर रहे हैं, दिल्ली में 2015 में भी यही हुआ था, 67 सीटें मिली थी, इस बार 4-5 सीटें कम मिली है उनको, यही हुआ था, इसी प्रकार का वोट शेयर था, इसी प्रकार का लहर था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी और बाकी तमाम लीडर्स को लगा था कि इसी मॉडल के आधार पर वो मोदी को हराएंगे, लेकिन शाहीन बाग तो नहीं था। नहीं, बता रहा हूं, देखिए रह रहकर इनके जो मन में प्रधानमंत्री बनने के सपने हैं, चाहे ममता जी के हो, मायावती जी के हो, चाहे राहुल जी के हो, चाहे प्रियंका जी के हो, चाहे किसी और पॉलिटिकल पार्टी के हो, तो ये रह रहकर हिचकोले लेते हैं। जब जब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश या राजस्थान कहीं भी हारती है तो इनको वो जग जाता है कि हम भी पीएम बनेंगे। जहां तक शाहीन बाग का मॉडल है, आप याद करिए भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव में हारी है कल, इसके अनेकों कारण होंगे। क्या लीडरशिप हम दे सकते थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्या हमने जो इशू दिल्ली के थे उनको सही तरीके से 4.5 वर्षों तक टैकल किया या नहीं किया, इस पर पार्टी मंथन करे। तो शाहीन बाग एकमात्र विषय नहीं है और शाहीन बाग पे आज भी भारतीय जनता पार्टी अड़ी गए कि शाहीन बाग में जिस प्रकार के नारे लगे, शाहीन बाग में जो मॉडल है वो मॉडल देश को तोड़ने वाला मॉडल है। और मैं आपको बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूं, तो शाहीन बाग के नाम पर हुई ना, कंसोलिडेशन शाहीन बाग के नाम पर हुई, दिल्ली का इलेक्शन बताता है कि शाहीन बाग को शाहीन बाग मुसलमानों में डर पैदा करो, मुसलमानों के लिए रकस करो, मुसलमानों को बिठाओ, उसके बाद पार्टी विशेष करो। बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिस प्रकार से पोलराइज करने की कोशिश की गई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, आपने अमरुल्ला खान को देखा, 71,000 से भी अधिक मार्जिन से तो एक तरह से ये पोलराइजेशन को, एक कम्युनिटी विशेष को जहां 12% का वोट दिल्ली में है उसको इन्होंने पोलराइज किया, सक्सेसफुल पोलराइज किया। वैसे तो जब से हमारा आविर्भाव हुआ 80 के दशक से भारतीय जनता पार्टी के नाम को लेके मुसलमानों को डराने का काम होता ही है, कब नहीं होता है। ये मॉडल तो पहले से ही वर्कआउट चल रहा है, मगर उस मॉडल में एक जिहादी तत्व जो जोड़ा गया है शाहीन बाग के माध्यम से, ये अपने आप में चिंताजनक है। और मुझे लगता है हिंदुस्तान की जो बुद्धिमान जनता है वो इस जिहादी तत्व को जरूर हराएगी,
देखिए दिल्ली में चुनाव जीतना या हारना इसके पीछे अन्य कारण भी है, एक स्ट्रांग लीडरशिप का होना या ना होना, मुद्दे जो लोकल मुद्दे थे, फ्री बीज की राजनीति, ये सारे मुद्दे हैं। बाकी राज्यों में इस प्रकार ये परिपेक्ष अलग है बिल्कुल। दिल्ली को आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल अलग चुनाव होता है। दिल्ली में पूरे देश के लोग रहते हैं, दिल्ली में पूरे देश के लोग रहते हैं। ठीक है खान साहब, एक सेकंड, शुभ्रांश कुछ कहना चाहते हैं उसके बाद आप बोल लीजिएगा, फिर डॉक्टर राजी आलोक, एक सेकंड खान साहब, एक सेकंड, अरे खान साहब, खान साहब एक सेकंड, शुभ्रांश काफी देर से हाथ उठाए हैं, गुस्सा रहे हैं आप, एक हो जाइए, किसने रोका है, आप माया जी, ममता जी सभी इकट्ठे हो जाइए, पहले पूरा देश रहता है तो आप लोग इकट्ठा हो जाइए ना, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो अच्छी बात है ना, बुआ बबुआ फिर से एक हो जाए और साइकिल पे बैठ जाए, हमें क्या आपत्ति है। ठीक है शुभ्रांश, दिल्ली में डिप्टी सीएम में रहते हैं सभी लोग, संजय एक सेकंड मैं आता हूं आपके, शुभ्रांश को काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं, शुभ्रांश उसके बाद पांचों टिकट जीत गए और अपने दम पर नहीं जीते हैं, हिंदुओं के दम पर जीते हैं, कह रहे डिप्टी सीएम मुसलमान एकता पर दम पर जीते हैं, सभी मत रहिएगा, हिंदू आप गंगा जमुनी तहजीब को कायम किया है, वहाँ जितने मुसलमान जीते हैं सब हिंदुओं के दम पर जीते हैं, कोई मुसलमान के दम पर नहीं जीता है, जो राष्ट्रवादी हिंदू है। संजय सराफ एक सेकंड, संजय सराफ एक सेकंड, संजय सराफ, संजय जी, संजय जी एक सेकंड, एम एच खान साहब मुझे एक बात बताइए, एम एच खान साहब मुझे एक बात बताइए, एक सेकेंड, एम एच खान, एक सेकेंड, अगर आपको आवाज आ रही है तो, संजय श्राफ अगर आपको आवाज आ रही तो एक सेकंड, एम एच खान साहब मुझे एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं हिंदू जमना, हिंदू जमनी तहजीब जीती है, हिंदू मुस्लिम वहां पर जीता है, मुझे एक बात बताइए, एक सड़क को रोक करके 70 दिन तक जो एक पूरी दिल्ली बंधक बनाए रखना, जिन्ना वाली आजादी वहां से चाहिए, वहां पर शर्जिल इमाम निकलता है जिसको आम आदमी पार्टी का समर्थन, वहां के नेता का समर्थन मिलता है, कांग्रेस के नेता लगातार वहां जाकर के बैठते हैं जो कि लाहौर होकर के आते हैं, ये मुस्लिम कंसोलिडेशन नहीं था तो और क्या था, मुझे एक बात बताइए, इसको क्यों लबादा ओढ़ रहे हैं आप जबरदस्ती की, हिंदुओं का साथ मिला करके जीते हैं यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम तहजीब जीती है, मैं कहता हूँ इसको किसने इजाजत दिया, मैं कहता हूँ सचिन जी मेरी बात सुनिए, सचिन जी मेरी बात सुनिए, संजय एक सेकंड, सुन तो लीजिए, सवाल किया है तो जवाब ले लीजिए, बोलिए सवाल किया तो जवाब ले लीजिए, शाहीन बाग क्यों बना, किसने बनाया, क्यों बनने दिया, क्यों नहीं हटा, किसने बनाया, ये सब सवाल है, किसने बनाया शाहीन बाग, इनसे पूछिए जरा किसने बनाया, किसने बनाया शाहीन बाग, भी रहेगा शाहीन बाग को पैसा बनाया, किसने समर्थन किया, मतलब ये बोल रहे हैं कि बीजेपी ने शाहीन बाग बनाया, मतलब ये कह रहे हैं बीजेपी ने पैसा दिया, क्यों बनने दिया खान साहब से, इन्होंने जो कहा आपके, नहीं नहीं सीरियस क्वेश्चन, मुझे एक बात बताइए ना, किन कौन से नेता वहाँ पर गए, किन नेताओं का समर्थन था, खान साहब एक सेकंड, संजय सराफ एक सेकंड बीच में मत बोलिए, संजय सराफ एक सेकंड बीच में मत बोलिए, संजय सराफ बीच में मत बोलिए, जब मैं आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा, ठीक है एम एच खान, फिर उसके बाद शुभ्रांश, मुझे एक बात बताइए एम एच खान साहब, जो मेरा सवाल था वो सीधा सवाल था कि शाहीन बाग पर कौन गए, किन नेताओं का समर्थन था, किन नेताओं ने वहां पर बिरयानी डिस्ट्रीब्यूट की, और किन नेताओं को लगा कि शाहीन बाग से जीता जा सकता है, क्या मुझे नाम बताने की जरूरत है, जी बताइए आप, कि अगर अमानुल्लाह की बात आप कर रहे हैं तो अमानुल्लाह अपने मुसलमान, शशि थरूर की बात भी कर रहा हूं, मैं सलमान खुर्शीद की बात भी कर रहा हूं, मैं मणिशंकर अय्यर की बात भी कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये लोग तो बिक गए, ये तो बिक गए, ये कांग्रेस के पास, किसने खरीदे, कांग्रेस से बिके हुए, किसने खरीदे, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया ने भी समर्थन किया, किसने खरीदे, किसने खान साहब, ये सब बिके हुए, मुसलमानों को कभी भला नहीं चाहते हैं, अच्छा खरीदे किसने, कांग्रेस के लोग कभी भी मुसलमानों को भला नहीं चाहते हैं, कांग्रेस के लोग, सच्चर कमेटी आई उसमें बताया गया कि मुसलमानों को जैसा दलितों से बदतर है, लो शुभ्रांश इनके कंधे पर रखते लड़ेंगे बंदूक, शुभ्रांश इनके कंधे पर लड़के लड़ेंगे आप बंगाल का चुनाव, कांग्रेस के चच्चा बिहार का चुनाव, बात बताइए वो तो आपको बेहतर मानने को तैयार नहीं, मुझे बात बताइए आपके नेता शुभ्रांश, ये मोदी वर्सेस ऑल है, इलेक्शन जीता तो डिप्टी शुभ्रांश मोदी वर्सेस ऑल है, वो तो कह रहे बिक गए आपके नेता, अगर बंद कराएंगे तो मैं कुछ बोल पाऊंगा ना, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ,
हाँ देखिए ऐसा है सचिन कि एक ना जब डिबेट शुरू हुई थी तो एक टॉपिक बड़ा सुंदर आपने दिया था, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। ऐसा है बंधु कि कभी कभी राष्ट्रहित में ना व्यक्तिगत नुकसान करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो जो गार्गी कॉलेज में हुआ जिसपे सचिन ने कोई न्यूज नहीं दिया ये घटनाएं बढ़ती, भगवान का नाम भी खराब होता और माता का भी नाम खराब होता, क्योंकि वहां जय श्री राम भी बोला गया था और भारत माता की जय भी बोला गया था। गार्गी में एडमिशन कराने के लिए ना बंधु पढ़ना पड़ता है, ये अनपढ़ गवार जाहिल गार्गी में नहीं जाकर एडमिशन करा सकते। तो कहने का मतलब ये है कि देश जीत गया, इसलिए जीत गया। देखिए आप एक सबके ऊपर उंगली उठाकर आप कहे राष्ट्रवाद का फैसला कराए, ठीक है, और दूसरी इम्पोर्टेंट रहिए, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस देश के लोगों को, इस देश के लोगों को आज रोजगार में 34% आबादी जो है जो 24 साल से लेकर 38 साल के बीच है और वो बेरोजगार है, उसको राष्ट्रवाद चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। आप तो मुझे लगता है कि मोदी से शुरू हुए थे, अब राहुल गांधी को इतना गरियाने लगे। मुझे एक बात बताइए एमएच खान, मुझे एक बात बताइए, महागठबंधन की 16 तारीख को अगर कोई तस्वीर सामने आती है सबको न्योता मिलता है, मुझे एक बात बताइए कांग्रेस के साथ होंगे या फिर आप बीजेपी के साथ हैं? मुझे एक बात बताइए ना, अगर मोदी के खिलाफ खड़े होना है तो क्या कांग्रेस के साथ हैं? खान साहब, खान साहब हैं कि नहीं है? आपको राहुल की देशभक्ति पर शक है? 200 साल की वजह से लड़ने चले थे, आपस में लड़ रहे हैं, ये हमारे खिलाफ लड़ने चले थे बंधु, देखिए जरा आपस में ही आज चचा भतीजे कैसे लड़ रहे हैं। देखिए 70 साल के जो बिल पेंडिंग पड़े थे उन बिलों को पार्लियामेंट ने क्लियर कर दिया, ये सब वो प्लाट वही है। यहाँ जीत हार का फर्क नहीं पड़ता है एनडीए को, हम देश के लिए खड़े हुए हैं और देश के लिए काम करेंगे और देश के लिए खड़े रहेंगे। शुभ्रांश क्लियर तो कर देते जब अगर पर्सनल कुर्बानी देनी पड़ती है देश को बचाने के लिए, जो कि आपने दी। अपना पूरा वोट बैंक केजरी साहब के न्योछावर करके राहुल गांधी पीछे रह गए, नया पोस्टर बॉय अगर केजरीवाल है तो बता तो दीजिए ना सर, फिर किसके साथ खड़े हैं? जो एमएच खान है वही डिसऑन कर रहे हैं आपको, किसके लिए किया फिर सर? के साथ हम देश की भैया देश की जनता के साथ खड़े हैं। और याद करिए आज आप डेट लिख लीजिए, चाहे आप कितना भी हिंदू मुसलमान पाकिस्तान कर लेंगे बिहार में और बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि वहां पे छोटे बच्चों को तो हारेंगे ना, पटना देखा था और वहां इनके मंत्रियों का ये जो भाईचारा आपके साथ ही बैठे ना रोज। सर मैंने तो अगेंस्ट किया नहीं शुभ्रांश, मैंने तो अगेंस्ट किया नहीं एमएच खान को, मंत्री क्या कहते हैं आपके साथ ही बैठे ना, मुझे एक बात बताइए, वो राहुल गांधी का नाम सुनने तक को तैयार नहीं है, वो राहुल गांधी को बर्दाश्त करने तक को तैयार नहीं। मुझे एक बात बताइए ना, साथ कैसे आ जाएंगे? डॉक्टर राजे आलोक, आप ये कह रहे हैं कि हम बिहार हरा देंगे, डॉक्टर राजे आलोक सुनिए तो सही, सचिन भारतीय जनता पार्टी की पहली अलायंस जो थी वो बहन मायावती थी, बीएसपी जो है वो मोदी जी की साथी है। सचिन एक मिनट इनका फीडर लो कर दीजिए तब बोल पाऊंगा ना, बोलिए डॉक्टर राजे आलोक। देखिए सचिन अभी आपके स्क्रीन पे ही एक किस तरह से आपस में कौओं की तरह लड़ने लगे, इसलिए हम लोग को ये बोलने की जरूरत नहीं कि कितने ये लोग यूनाइटेड। अरे आप लोग देश की आवाज हैं, 4% वाले देश की आवाज हो गए, शांत रहिए, शर्म भी नहीं आती बोलते हुए देश की आवाज। अरे अजय आलोक आप तो दूसरी बात सुनिए, 40% में बैठे हो कम्युनल 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 ब्रांच ऐसे डिबेट नहीं, अब ये कम्युनल फीडर बन के झूठ मूठ चिखते रहेंगे ब्रांच में, आपकी भी झूठ मूठ चिखते रहेंगे ब्रांच ऐसा, अब ऐसा नहीं कि मेरे को ऐसा है कि मैं ऐसा है कि मैं आपका नीचे कर दूं, ब्रांच में आपका भी फीडर डाउन करूं, ऐसा ठीक नहीं लगता ना, ज्यादा ज्ञान मत बकासी, उनकी आदत है, अरे उनकी आदत है, सुशांत जी की आदत है, उनकी आदत है, उनकी आदत है, कुछ नहीं कर सकते हैं वो, लड़े लालू के साथ भाग उसी तरह चिल्लाना आदत है उनकी,
पटना को डुबा डाला बैठे फिर चलाने लगे हॉस्पिटलों में क्यों उसका टाइम खराब कर रहे हैं। ज्ञान मत दीजिए अजय आलोक, टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? ठीक है, ज्ञान मत दीजिए, ठीक है, शांत रहिएगा, चुप रहिएगा, तब मैं बताऊंगा, चुप रहिएगा, चुप रहिए, तो ज्ञान मत दीजिए। तीन में आपकी सुन रहे सुब्रांच अरे सुनिए तब मैं भाई साहब, नहीं नहीं सुब्रांच सुनिए, तरीका होता है बात का, ऐसा है कि बड़ा सिंपल लॉजिक है, इन लोगों में जो हमारे विपक्ष हैं उनकी ये लड़ाई है कि मुसलमानों को इन्होंने कम्युनलाइज तो कर दिया है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि मुसलमान एक तरफ का वोट उनको दें, चाहे ममता दीदी बंगाल में, वो नहीं चाहती हैं कि मुसलमानों का वोट सीपीआई या कांग्रेस में बटे, चाहे बहन जी हों या अखिलेश हों, वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों का वोट एक दूसरे में जाए या कांग्रेस को जाए, उसी तरह कांग्रेस भी नहीं चाहती है मुसलमानों का वोट इधर से उधर जाए। तीनों का एक मकसद है कि मुसलमान को कम्युनलाइज करके वोट एक जगह रखो, लेकिन ये वोट हमको मिलना चाहिए, ये मुसलमान का वोट कहीं इधर से उधर होता है तो ये आपस में कौआ कौआ काऊ 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 और ये कम्युनल हमको कहते हैं, ये कम्युनल हमको कहते हैं, बड़ी मिर्ची रखती है सुब्रांच, एक सेकंड, आपसे सवाल नहीं है सुब्रांच, ना वो आपको जवाब दे रहे थे ना आपसे सवाल है, मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, थैंक यू, हिंदू खतरे में नहीं आ जाएगा सुब्रांच, थैंक यू, आप टीवी में चिल्ला चिल्ला के बोलिएगा बिहार का सुब्रांच, मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, नहीं है सुब्रांच, मुझे आपको डाउन करना पड़ेगा, डॉक्टर अजय आलोक, फिर मैं ये तो कह रहा हूं ना, खतरा है किसके लिए? आप ये कह रहे हैं कि भले इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है कि भैया दीदी क्या चाहती है कि बंगाल में जो है मुसलमानों का वोट बटे ना, खतरा ही नहीं, बिहार में यही है जेडीयू, बिहार में आरजेडी यही चाहती है, कांग्रेस यही चाहती है, तो होगा तो अल्टीमेटली ये ना कि हराना किसको है, उस आइडियोलॉजी को अगर हराना है तो यहां पर दिल्ली में प्रूव करके उन्होंने दिखा दिया, अल्टीमेटली फिर अगला जो कंपैरिजन होगा, अगला कोई ग्राउंड होगा तो बिहार होगा। ऐसा है कि दिल्ली में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये मैं तो पहले ही कहा ना, ये सब दुखी आत्मा है बिना मतलब का, थोड़ा वो तृप्त हो गए हैं, दिल्ली में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आज के डेट में देखिए, अगर हिंदुस्तान के इलेक्शन को एनालाइज कीजिएगा तो पिछले 15 वर्षों से हिंदुस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन हो रहा है, चाहे लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं या चाहे लोग मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, केजरीवाल जी जो कल जीते हैं ये कोई नई फिनोमेना नहीं है, बिहार में 2010-2015 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो चुका है, तो स्ट्रेट अवे लड़ाई किसकी है? ये कंसोलिडेशन है, ये झुटमुट का आपसी वर्चस्व बचाने की इनकी लड़ाई है, हम तो अपनी जगह पे खड़े हैं, कौन सा वोट में हमारे कमी हुआ, आइए बिहार में लड़िए, मैं तो कह रहा हूं सारे लोग मिलके आइए ना, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक तीसरा मोर्चा बनाइए, आ जाइए, गए प्रशांत किशोर वहां, थोड़ा रणनीति करें वहां पर, कुछ लाए, अब आरजेडी तो साथ में आएगी नहीं, कांग्रेस साथ में नहीं आएगी, थर्ड तो फ्रंट बन जाए, क्या दिक्कत है, सब आ जाएगी ना, एक राज्य और देखिए, मैं कहना चाहता हूँ ठीक है, ये सब इकट्ठे होकर लड़ना चाहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लोकतंत्र कोई रोक भी नहीं सकता है, मैं आज सवाल पूछ रहा हूँ मायावती जी, ममता जी, ये सब कितनी कितनी सीटें अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को देंगे? देखिए, वहां रॉकेट छोड़ना, वहां लड्डू बांटना, वहां घंटा पीट पीट कर बोलना कि अरविंद केजरीवाल जी कमाल है, ये अलग बात होता है, जुबानी खर्च कुछ नहीं होता है, मगर क्या ये टिकट देंगे आम आदमी पार्टी को? 10 सीट देंगी ममता बनर्जी, 15 सीट उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी देंगे क्या? क्या कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी कुछ सीटें देंगी आम आदमी पार्टी को? पहले ये प्रैक्टिकल बातें तो इनको सॉल्व कर लेने दीजिए, अगर ये सीट देती है तो उसके बाद इनकी लड़ाई होगी कि मुसलमान वोट कहां जाएगा। आप याद करिए, अभी ओवैसी जो कि मुसलमान वोटों के लड़ रहे हैं और ममता बनर्जी के बीच में बंगाल में लड़ाई हो गई, ममता बनर्जी कट्टरवादी कह रही है ओवैसी को, क्यों कह रही है? क्योंकि ममता बनर्जी को लग रहे हैं कि अगर 2021 की चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ ओवैसी के कुछ लोग खड़े हो गए तो मुस्लिम वोट का क्या होगा? ये सारा आंकड़ा मुस्लिम वोट की लड़ाई की चल रहा है ना, कि क्या ये एक नई तरीके की राजनीति की शुरुआत, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं एक ड्रीम है एक विपक्ष के लिए कि हाँ, अगर मुस्लिम वोटों को इकट्ठा करना है भले अपना इंटरेस्ट लो ही कर लो, अल्टीमेटली जब हराना ही संबित आपको है, जब हराना ही विचारधारा है, तो उसके लिए तो कम से कम क्या दिल्ली ने एक नया मॉडल दिया है। और जी न्यूज तालटोक के टेक इस वक्त तालटोक के टेक ये कहता है, ये मानता है जी न्यूज तालटोक के कि वोटों के ध्रुवीकरण की जगह विकास की राजनीति होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी के विरोध के लिए सिद्धांतों से समझौता ठीक नहीं है, चुनाव जीतने के लिए जनता का मन जीतें और भड़काऊ बात न करें। बहुत बहुत शुक्रिया।